कृषि और पशुपालन भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार और आत्मा है। हमारे अन्नदाता जहां एक ओर अपने कठोर परिश्रम से अनाज उगाकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, वहीं पशुपालन के जरिए अपनी आय भी बढ़ाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार इन दोनों क्षेत्रों को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य करते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की मदद की जाती है, जिससे 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को अब तक 3.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिली है। पीएम किसान सम्मान निधि भारत के किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी। उनके छोटे छोटे खर्चों के लिए ये किसान सम्मान निधि बहुत काम आ रही है। पीएम किसान की 18वीं किस्त के रूप में आज प्रधानमंत्री द्वारा 9 करोड़ 40 लाख से अधिक पात्र किसानों को 20,000 करोड़ से अधिक की धन राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। इसी के साथ नमो शेतकरी महासम्मान निधि की भी 5वीं किस्त जारी की जा चुकी है, जिसमें महाराष्ट्र के 91 लाख से अधिक किसानों को 2000 करोड़ से अधिक का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। भारत सरकार की ऐतिहासिक 10,000 FPO योजना के अंतर्गत 9,000 से अधिक FPO का पंजीकरण सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है, जिनमें करीब 23 लाख मेहनतकश किसान शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2020 में शुरू की गई एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत किसानों को 2 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे विकसित भारत की आधुनिक कृषि अवसंरचना का विकास हो रहा है। वर्तमान सरकार गठन के 100 दिनों के भीतर 6,500 करोड़ की लागत से 10,000 से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इसी अवधि में 7,516 परियोजनाएं पूरी हुई, जिसमें 1,929 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि शामिल है। भारत सरकार के राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत देशी नस्ल के गायों एवं भैंस की गुणवत्ता में तेजी से सुधार एवं दूध उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी से देश में द्वितीय श्वेत क्रांति चल पड़ी है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान से दो बड़े कदम आज देश को समर्पित किए जा रहे हैं। गौ सॉर्ट स्वदेशी सेक्स सॉर्टिंग तकनीक से बछड़ी पैदा होने की सफलता दर 90% है, जिससे 8 करोड़ डेयरी किसानों को लाभ होगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और ICAR NBAGR के साझा वैज्ञानिक कार्यक्रम से विश्व में पहली बार देशी गाय और भैंस में अच्छे नस्ल की त्वरित पहचान के लिए गौ चिप और महिष चिप नामक जेनोमिक चिप तैयार कर लिए गए हैं, जिनसे नस्ल सुधार कार्यक्रम दुगनी तेजी से चल पाएंगे। ये सुविधा कोई भी किसान NDDB के काफ लैब एवं KLDB के लैब से उचित दाम पर ले सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में कृषि और पशुपालन के समन्वित विकास से भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।